हर शहर हर गांव की अपनी एक अलग पहचान होती है। आज मैं आपको एक गांव में लेकर आई हूं, जो ये गांव बाकी गांव से बेहद अलग है, क्योंकि यहां गली गली पहलवान रहते हैं। या दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, ये पहलवान जिम में जाकर पसीना बहाते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पहलवानों की टोली से। एक ऐसा गांव जिसे पहलवानों का गांव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस गांव के हर एक युवा की पहली पसंद पहलवानी है। बच्चे के जन्म लेते ही माँ बाप उसके पहलवान बनने का ख्वाब देखने लगते हैं। मिर्जापुर नाम सुन के आप सोच रहे होंगे कि हम गुड्डू भैया, कालीन भैया या मुन्ना भैया की हम बात कर रहे हैं। जी नहीं, ये मिर्जापुर है पहलवानों का। यहाँ पहलवान आप देख सकते हैं, सब अपनी कसरत कर रहे हैं, जमकर पसीना बहा रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। पहले हम इनसे बात करेंगे, सॉरी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर यशवीर प्रताप सिंह। कितने साल से आप करते हैं? मैम जब से जिम खुली है लगभग तभी से कर रहे हैं। इस गाँव को पहलवानों का गाँव क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम इस गांव में हर घर में लगभग बॉडी बिल्डर है, लड़के जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कब से ये चली आ रही है परंपरा? ये तो हमारे बड़े बूढ़ों के ज़माने से ही चलती आ रही है। पहले हमारे जो बड़े बूढ़े वो पहलवान ही करते थे, लेकिन जब से मॉडर्न ज़माना आया है जैसे जिम करने लगे हैं लड़के, बाहर भीतर जाते हैं, देखते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं। आपकी पूरी फैमिली पहलवान ही करती है? जी। कुश्ती भी लड़ती है अखाड़े में भी जाती? कुश्ती तो कम ही लड़ते हैं हमारे यहाँ, लेकिन जिम का शौक ज्यादा है। कसरत करना इस गांव की फितरत है। जिम में पसीना बहाना यहाँ के युवाओं का पैशन है। सेहतमंद रहना यहाँ के युवाओं का शौक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन ठाकुर है। अमन ठाकुर, हाँ। कितने साल से पहलवान है? मैं हो गया 1.5 वर्ष के करीब। भूपेंद्र भाई ने मोटिवेट किया। दरअसल मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, एक संगठन चलाता हूँ। क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता था पहले, इन्होंने मुझे इंस्पायर किया और हम भी आए। तो आपके चैनल के माध्यम से ढेरों बधाई शुभकामनाएं भूपेंद्र को और इनकी जिम को। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो इन्होंने जिनको बहुत आगे तक बढ़ाने का काम किया है। मिस्टर दिल्ली बने हैं, मिस्टर यूपी बने हैं, बहुत से बच्चों को इन्होंने मोटिवेट किया है। और इस गांव में नहीं, पूरे क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में भूपेंद्र भाई का एक अलग ही जलवा है। चलिए, आपने भूपेंद्र जी की जमकर तारीफ कर ली है, लेकिन मेरा सवाल है कि आप पहलवानी क्यों पसंद करते हैं? नहीं, पहलवानी दरअसल एक मिर्जापुर का एक अलग स्टैंड है, परंपरा चली। हाँ, आपको हर घर में पहलवान दिख जाएंगे। और सबको अलग शौक है, जैसे क्रिकेट का शौक होता है, खेल का शौक होता है, उसी परिवेश में हमारे यहाँ जिम का बहुत से लोगों को शौक है। और मिर्जापुर से इंस्पायर होकर इस क्षेत्र के अन्य गांव भी इस जिम में और पहलवानी में अपना शौक रखते हैं। तो कभी आप लोग जैसे कभी रास्ते में जाते हो तो आप लोग को कहीं मिर्जापुर के गुड्डू भैया, कालीन में से तुलना तो नहीं करते कि मिर्जापुर वाले पहलवान है, थोड़ा इनसे बच के रहना है? नहीं, आज के माहौल में जहाँ लोग टिकटॉक पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विश्वास रखते हैं, और इस माहौल में पहलवानी और जिम का शौक अलग एक अपने आप में एक अलग जलवा रखता है। तो हम लोगों को देख करके कहते हैं कि वही मिर्जापुर के लोग हैं जिनको पहलवानी करने का, जिम करने का अलग शौक है। और हमको देख करके आप देखिए, अन्य गाँवों में भी, कस्बे में भी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होकर आपको एक घर छोड़कर दूसरे घर से अवश्य मिल जाएंगे जो लोग पहलवानी करने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही मिजाज है मिर्जापुर के गांव का। लगभग हर एक घर में पहलवान है। यह महज 10-20 साल की बात नहीं, बल्कि इस गांव में तंदुरुस्त रहना सदियों पुरानी परंपरा है। क्या नाम है आप? संदीप भाटी जी। संदीप भाटी जी, कितने साल से पहलवानी कर रहे हैं? ये इसमें मैं 10 साल से जिम कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं आपकी उम्र पूछ सकती हूँ? मेरी उम्र 26 साल। 26 साल है? और 26 मतलब आप 16 साल से आप? जी जी जी, हाँ जी, 16 साल से। 16 बचपन से? हाँ जी, बचपन से ही। क्यों बचपन से, क्या एकदम फिट रहने का आपको जुनून सवार? मेरे बाबा पहलवान थे और मेरे ताऊ जी इंदर सिंह जो प्रधान है वो भी पहलवान है, तो पहलवानी का ही क्रेज है ज़्यादा।
इसलिए एक्सरसाइज मेरे भाई भी हैं जो करते हैं मेरे साथ। ज़्यादातर गांव में से कम 500 बच्चे हैं जो अब जिम कर रहे हैं फिलहाल। और जिम की बात है, ये इस जिम का जो लोहा है, तुम और अदर जिम में जाकर देख लो, ये ऐसा लोहा नहीं मिलेगा जिम को। हाँ, ये क्योंकि बहुत काफ़ी पुरानी जिम है, आजकल की जो नई जिम है उनमें इतना ऐसा लोहा नहीं मिलेगा, ना ऐसी एक्सरसाइज कर सके आदमी। और भूपेंद्र भाई ये बहुत मेहनत करते हैं, और रात को 3 बजे जिम खुल जाती है, मैं 3 बजे इसमें आ जाता हूँ जिम में। रात के 3 बजे? हाँ, 3 बजे करेक्ट मैं जिम में आ जाता हूँ। हाँ, 3 बजे 6 बजे तक एक्सरसाइज चलती है। अच्छा, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे तो आप 26 साल के नहीं लगते, मैं ईमानदारी से बोलूँ कि मुझे क्यों मुझे लगता है कि 17-18 साल के लगते हैं। पूरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। तो मुझे तो मैं कह सकती हूँ कि कसरत करने से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। जी जी, एक्सरसाइज से देखो शरीर तो फिट रहता ही है। हाँ, ये तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, जिसका शरीर फिट है उसका सब कुछ अच्छा है। तो आपका भी फॉर्मूला यही है, जो फिट है वो हिट है। हाँ, जो फिट है वो हिट है। हाँ, सही बात है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन पहलवानों का दम सिर्फ हमारे टीवी स्क्रीन पर। ये 120 केजी, ये 100 केजी है, ठीक है। ओ माय गॉड, 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या नाम है आप? निशांत भाटी। तो आपको पहलवानी का क्यों शौक? शौक से शुरू से ही शौक है, शुरू से ही, बचपन से ही। कितने साल से कर रहे हैं? मेरे को 2019 में चालू करी थी, 4 साल हो गए। 4 साल? हाँ। तो 4 साल में आपने पहलवानी शुरू? नहीं, मैंने बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन खेला था 2022 में, पिछले साल दो खेला था। एक बार मैं मिस्टर इंडिया बना था, फर्स्ट प्लेस पड़ी थी, फिर मैं पावर लिफ्टिंग करता था। अच्छा, मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं? कहाँ से? दिल्ली, जमरूदपुर। अच्छा, नॉर्थ इंडिया। चलिए भाई, मैं मिस्टर इंडिया के साथ स्क्रीन शेयर करूँ, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी हमारे जी। अभी मैं गुरुजी के पास आऊँगी, वो सबसे वो होता है ना कि ट्रेलर हमने दिखा दिया, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, तो अभी पूरी पिक्चर दिखाऊँगी बाद में। तो उसके लिए अभी आप ट्रेलर है। बंद कर दिया था, रश किया था, इंजरी हो गई थी शोल्डर में। अच्छा, ये वर्कआउट करते हुए कुछ बॉडी में अगर इंजरी हो जाती है या फिर कहीं चोट लग जाती है, तो क्या हमें जो वर्कआउट है छोड़ देना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए? तो फिर हमारी बॉडी में तो वैसे भी ऑलरेडी पेन होना शुरू होता है, तो आप क्या करते हैं? नहीं, रैश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंजरी करो, थेरेपी करवा लो, कैपिंग थेरेपी बेस्ट होता है। नहीं, जब हम वर्कआउट छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में पेन होता है ना, तो जब क्या हम स्किप कर सकते हैं जब हमारी बॉडी में? चाहो तो, वरना नॉर्मल वर्कआउट करते रहो। गाँव के जो मिट्टी में जो बात होती है, वो पहलवान क्या खाते हैं? घी, यही अपना बस, यही है, दूध वूध, पनीर। हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद? बिल्कुल, अपनी मेन चीज डाइट है, जिम है। हाँ, मतलब यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान के बाद जो चौथी चाहत है वो है कसरत। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, जब भी वक्त मिला पहुंच गए जिम में। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद नंबर आता है कसरत का। दिल्ली से करीब होने के बाद संपन्नता की कोई कमी नहीं है। कुछ युवा नौकरी पेशा हैं, तो कुछ व्यवसाय करते हैं। जी, क्या कर लिया आपने वर्कआउट? हाँ, हो गया वर्कआउट। कितना वेट होगा आपका? 65। उम्र कितनी? 21। हाँ, आपको लग रही है 21 के? 21 है। ये एक्सरसाइज का कमाल है। जी बिल्कुल। तो अब बताइए, आपको पहलवानी का क्यों शौक है? ऐसे ही शुरू से ही है, ऐसी बस किसी चीज़ मन नहीं था स्पोर्ट्स में और ना गेम किसी चीज़ में, बस जिम का शौक है, ये अच्छा लगा था बस। हाँ, गुरु जी हमारे मनी, उनको देख के ही ज़्यादातर मन किया कि हाँ कुछ हमारी भी उन चाहिए, क्योंकि फालतू पैसा उठाने से बढ़िया ना इससे अच्छा तो बॉडी में लगाओ तो ठीक है। हाँ। तो ये जो पहलवानी का जो शौक है कि जितने भी आपके आसपास पहलवान होते होंगे, तो आप उनको देख के जलते नहीं होंगे, उनकी बॉडी अच्छी है, हमारी बॉडी अच्छी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गाँव में जलते नहीं है किसी को, एक दूसरे। हाँ, हौसला बढ़ाते हैं और दूसरे का भी, कि अच्छी बात है कि हमसे भी अच्छी बॉडी बने किसी की। अच्छा। हाँ, और अब आगे क्या चाह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाना है, क्या करना है? हाँ, वो तो
कुछ घर वालों का, कुछ करियर भी देखना अपना भी, कोर्स चल रहा मेरे जो वो भी देखना है, पर हाँ खेलेंगे आगे भी, देखी जाएगी। हाँ घर वालों का पूरा सपोर्ट है? हाँ घर वालों का कुछ है कुछ नहीं है तो, हाँ ज़्यादातर तो है ही, पर क्यों नहीं, ऑब्जेक्शन किस बात का है? वो वही है ना कि कॉलेज कम और जिम ज़्यादा। हाँ हाँ, तो लड़का पढ़ाई में कम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, इस पे कर रहा है, इसमें ज़्यादा कर रहा है, हाँ तो इसीलिए बस फोकस। पर फिर भी मम्मी बढ़ावा दे देती है कि कोई ना, मैं हूँ जाऊँ तो तू टेंशन मत ले, तू कर जो करना, और पढ़ाई भी चली रही है तो हाँ मिली, मैं घर पढ़ लेता हूँ, बस इतना ही है कि घर वालों को तो है सपोर्ट 99% तो है ही। नशे से कोसों दूर इनका एक ही मकसद, गठीला शरीर, जमकर मेहनत। मिर्जापुर का नाम सुनकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। हट्टे खट्टे पहलवानों को देखकर लोग रियल लाइफ के मिर्जापुर को रियल लाइफ के मिर्जापुर से तुलना करने लगते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 38। 38 और 38 में भी आपने सलमान खान को टक्कर दे रहे हैं? बस शौक है अपना, एक्सरसाइज करने का हमको शौक है। कितने साल से कर रही हैं पहल? बचपन से ही शौक है जी, पहले करते थे अपनी लोकल एक्सरसाइज करते थे, जब से गांव में जिम आए अब जिम से करते हैं। क्या है इस गांव की मिट्टी में खासियत कि सबको पहलवान बनने का जुनून है, और कुछ क्यों नहीं, कोई आईटी सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहता, कोई डॉक्टर क्यों नहीं, कोई इंजीनियर क्यों? डॉक्टर भी हैं, आईटी सेक्टर में भी काफ़ी लोग हैं हमारे यहाँ से, पर शौक है कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने का शौक है, कुछ लोगों को पढ़ाई का शौक है, कुछ क्रिकेट खेलता है कोई, अपने अपने हर गेम का अलग अलग शौक है लोगों का। अच्छा मतलब ये पहलवानी नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं? बिजनेस भी करते हैं लोग, बिजनेस भी करते हैं। अच्छा। हाँ जी, आईटी सेक्टर में भी हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, सब चीज़ है। आप क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम किर्शन है। हा? किर्शन। किर्शन? हाँ जी। अच्छा कन्हैया? कन्हैया। ये हमारे कान्हा जी भी पहलवानी करते हैं? जिम बॉडी बिल्डिंग करते हैं कान्हा जी। बॉडी बिल्डिंग कभी आपने देखा है ऐसे कान्हा जी को बॉडी शोडी डोले शोले के साथ? नहीं नहीं कभी नहीं देखा होगा, सब गुरु जी की कृपा है जो हमको बॉडी बिल्डिंग में लेके आए। हाँ कि सब लोग गुरु जी के फैन हैं, सब गुरु जी की कृपा से हो रही है, सिर्फ गुरु जी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यही कराते हैं हमसे तो। मतलब मोटिवेट आपको ही? हाँ हमारे आइडल हैं यही। आइडल है मतलब इन्हीं को टक्कर देना है मिस्टर इंडिया के कंपटीशन में? नहीं टक्कर तो नहीं, पर गोल्ड जरूर जीतना है इस बार। गोल्ड जीतना है कौन से स्तर पर? नेशनल पर। नेशनल बॉडी बिल्डिंग में? हाँ। कितने आपको पहलवानी का शौक है? आप मुझे बचपन से। क्या करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा पहलवानी भी करी है अखाड़ा, और अब जिम है, बॉक्सिंग का भी करी नहीं। बॉक्सिंग भी कर लेते, पंच भी मार लेते। अच्छा आप लोग को देखे तो कोई, मुझे नहीं लगता इस गांव में कोई चोर या डाकू कोई कुछ आता होगा कि भाई ये पहलवानों का गांव है तो इनसे बच के रहना है। सिस्टम है अपना, सिस्टम है, कोई नहीं आता। अच्छा मतलब आपका इलाका है तो कोई पैर भी नहीं रख सकता? नो नो नो, सब पहलवानों के गुरु जी ये हैं हमारे भाटी साहब। नमस्कार। नमस्कार। क्या आपने इन लोगों को, आपने इतनी ऐसी प्रेरणा दी है कि सब आपके फैन हो रखे हैं? फैन नहीं, एक प्यार है इनका, और आप अच्छा काम करते रहिए, सब आपसे प्यार ही करेंगे, प्रेरणा कह सकते हैं या प्यार कह सकते हैं। इतना एक पूरे गांव में इतना प्यार आपको मिल रहा है? हाँ वो तो देखो मिलता है प्यार, सबकी प्रेरणा बने हैं, कितना अच्छा लगता है आपके लिए? प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए, और हर इंसान को अपना अपना एक टारगेट लेके चलना चाहिए। ये मैंने सोचा था कि हाँ अपने गांव में आसपास में एक नया फैशन लाया जाए, लोग फिटनेस से जुड़ें, तो उसी पे बस चल रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, और गांव के तो सबसे ज़्यादा हैं। तो आप अपने किताबों के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या अचीव किया है, आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं, किस चीज़ से आपको सम्मान मिला? क्या बताऊँ, आप देख सकते हैं सब लगे हुए हैं। जुवानी क्या, मैं 2018 में मिस्टर दिल्ली खेला था, उसमें मेरी सेकंड प्लेस रही थी, फिर नॉर्थ इंडिया, फिर मिस्टर इंडिया, और एक मिस्टर यूपी खेला था। उसके बाद फिर मैंने एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग बंद कर दी, तो फिर मैं बच्चों को ट्रेन करने लगा। उसके बाद बच्चों को कराया ट्रेनिंग, उसमें मेरे 4 से 5 बच्चे स्टूडेंट रहे हैं, जिससे मुझे बेस्ट कोच का अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2022 में, और बाकी लगे हुए हैं, देखो आगे कहाँ तक जाना है। आपको मिर्जापुर के गांव के
बोलते होंगे भाटी साहब, लेकिन आप किस कैरेक्टर से आपको कंपेयर करते हैं, गुड्डू भैया, कालीन भैया, मुन्ना भैया? नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ अलग है, वो मिर्ज़ापुर अलग है, ये मिर्ज़ापुर अपना है, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अपना बढ़िया खाते हैं, बढ़िया कमाते हैं, बढ़िया रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सब, तो वो तो बहुत अलग है। और वो ये मिर्ज़ापुर नहीं है, ये अपना अलग मिर्ज़ापुर है। मैं अब बात कर रही हूँ, आप इंटरव्यू से पहले कुछ बात बता रहे थे कि यहाँ पे आपको मुआवजा देने से पहले जो आपको पैसे मिले हैं, तो आपने उसका कैसे सर्वाइव किया, वो मुझे कहानी बताइए। जी, एक था कि पहले सब अपना वही देसी था, ज़मीन जायदाद सब पे थी, रईस लोग हैं गाँव में, ऐसा कोई नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, बट कुछ लोग पे एक साथ पैसा आ जाता तो उससे ये होता है कि उसका मिसयूज करने लगते हैं, कुछ लोग नशे में लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, बट अपने यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ का जो माहौल है, अपना अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, बढ़िया डाइट लेते हैं और अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, बढ़िया कॉलेजों में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मैंने लेके आया, मैंने एक फ़िटनेस को लाया जाए, जो लोगों का नशे से हटके एक फ़िटनेस की तरफ आकर्षित हों लोग, और हो रहे हैं। मैं इस काम में, पूरे गांव में कोई नशा नहीं करता, कोई सिगरेट शराब कुछ नहीं? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। अब अगर मैं बोलूँ तो 90% लोग तो फिटनेस से जुड़े हुए हैं और लेते हैं, 100 की लोग हैं जो वो लेते हैं, कभी अपना नाइट में ले लिया तो वो लेते हैं। लेकिन इन सब मामलों से दूर जोश और जुनून से भरपूर जिम और अखाड़े में जमकर पसीना बहाते हैं। इस गांव के लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, यहाँ के लोग इन पैसों का इस्तेमाल ना शराब, सिगरेट, हुक्का, किसी पर खर्च नहीं करते, बल्कि ये लोग तो पैसे को अपने पैशन यानी कि फिटनेस पर खर्च करते हैं। अगर फिट इंडिया के लिए किसी गांव को चुना जाए तो गौतम बुद्ध नगर का ये मिर्जापुर गांव मॉडल बनकर सामने आएगा। भूपेंद्र भाटी की मम्मा से बात करने, तो क्या नाम है आपका? मेरा तेजवती, तेजवती। अच्छा, तो आपका जो बेटा जो काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है, कितना प्राउड फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, मेरे बेटा के बराबर के कोई किसी को बेटा ना होएगा, और अच्छा है कि मेरे बेटा ने दुनिया में नाम कर रखा है, और सबके बेटा ऐसे ही होने चाहिए। आपको कैसा लगता है जब आपके बेटे को पूरा गांव एक गुरु मानता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही होने चाहिए सबके बेटा। देखो, माँ बाप के ज़िंदगी में एक औलाद अच्छो नाम, अगर अच्छो नाम बच्चा करे तो बहुत अच्छो लगे, और सबकी माँ बाप जो कहती हैं कि मेरा बेटा नाम करे तो बातें और अच्छो लगे घर परिवार में। और एक बालक ऐसा हुआ कि जो अपनी मम्मी के काज है और उनको जैसे काई के संग में बुरे बर्ताव करे तो और अच्छो नहीं लगे। तो आपका जो बेटा है पहलवानी करता है, तो एक माँ का तो बहुत सहयोग होता है, बहुत सपोर्ट होता है एक बेटे को पहलवान, तो आप उसके शुरू से बचपन से उनको पहलवानी का शौक था, तो आप उनके रोटी में घी, दूध, पनीर बराबर देते दे, कैसे? बराबर खाता था। क्या खाने में उनको ज़्यादा पसंद है, कैसे? दूध, घी, दही, छाछ, अगर दूध थोड़ा भी कम रह जाता हो कि मम्मी मेरे लिए दूध थोड़ा है और भर के दो, तो जितना दूध पीता था उतना दूध कटोरी में रख के लोनी और उसे कुछ भी दे दो, ऐसी चीज़ ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? घी, दूध, हाँ। ये सब चीज़ पसंद है ऐसी। पर वाह को मन पहले थे ही यही मैं हूँ कि मैं मम्मी जिम ही करूँगा, जिम ही अपनी जिम खोलूँगा, वो युवा ने आज करके दिखाई दियो हमें। पर मेरे बेटा सोकाई को बेटा होएगा ना, यूँ वो अपने भीतर से ऐसा लगे कि भगवान ने ऐसा बेटा हर काई को हो, बहुत अच्छा लगता है। आप पहलवानी करते थे? जी, मेरे बाप दादा भी पहलवानी करे, हम सगरे भाई पहलवानी करे, इन्हें यहाँ को शौक पड़ेगा, ये हमें बिजी है, बिजी में भी तुम्हारे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक अच्छा फेमस है इस काम में, बहुत दूर दूर के बच्चे आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया इसको मतलब रुतबा बना हुआ, आपने भी यहाँ सुना होगा, वैसे भी बहुत ही बढ़िया इसको जो ऊपर चल रहा है काम पे, ऐसी कोई नहीं है, हर गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है कि जो इसकी जिम में नहीं आ रहा वाला, इसके नाम से, इसके सर्टिफिकेट से, इनसे इसकी बहुत ही ज़्यादा पहुंच बन गई है। तो हमारे साथ इनके पापा भी हैं,
इनके अंकल भी हैं, शायद आप अंकल हैं जी। तो ये बताइए, मिर्ज़ापुर को पहलवानों का गांव क्यों कहते हैं? एक्चुअली यहाँ पहले से ही इन लोगों को शौक था। पहले लोग पढ़ते तो थे नहीं, इन पहलवानी का बहुत अच्छा क्रेज था। यहाँ पे लोग उनको घर घर अखाड़े होने अक्सर ऐसे कह देते थे कि फसलिया पहलवान। बरसात के टाइम में तो जगह जगह अखाड़े खुदते, तेल लगाना, वर्जिश करना, ये जिम विम तो थी नहीं, पढ़ना अड़ना का इतना क्रेज था नहीं। तो गांव गांव में हमारे सबसे ज़्यादा पहलवान हैं और उनकी छवि, अब पहलवानी का क्रेज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये जो जिम में वर्कआउट करते हैं बच्चे, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं जिम में, जिम को डील करते हैं, उनको कोई बुरी आदत नहीं है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, दारू, आजकल के नौजवानों को ऐसे ऐसे बुरी आदतें हैं कि जो जिससे कि आदमी कुछ कह भी नहीं सकता, माँ बाप को पता भी नहीं चलता। यहाँ के गांव की परंपरा भी पहलवानी की है, मैं पूछूं तो क्या आपने ही पहलवानी की है? हाँ जी, मैंने पहलवान अपने स्कूल, अपने कॉलेज में चैंपियनशिप था, चैंपियनशिप थी बराबर एक्सरसाइज उस पीरियड में, कुश्ती, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, सब में पहला नंबर था। और बाद में मुझे उसी पीरियड में बुरा टाइम आना था, तो मैंने कुछ ऐसी ठंडी चीज़ खा ली, उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिससे स्वास्थ्य हो रहा मेरा अच्छा नहीं है आज की डेट में भी। हमारे पहलवान बनाने वाली पहली पीढ़ी जो मैं दिखा सकती हूँ, ये भूपिंदर जी के पापा, ये अंकल हैं, इनसे भी बात की, ये लोग भी फिटनेस के शुरू से ही दीवाने रहे हैं। तो बाकी और चीज़ों के लिए हम चलते हैं भूपिंदर जी के पास। सेहतमंद की पुरानी परंपरा है जो आज भी बदस्तूर निभाई जा रही है। अब ये परंपरा कंपटीशन बन गई है, हर कोई एक दूसरे की प्रेरणा है। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ बॉयज के, तो क्या गर्ल्स भी यहाँ आती हैं? हाँ, गर्ल्स आती हैं, अभी अपने गांव से पास में गॉड सिटी बनी हुई है, तो दिल्ली, गुड़गांव, बहुत बहुत दूर की लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो सब आती हैं, बट मैंने उनका बैच अलग कर रखा। तो आपकी नज़र में क्या जो फिट है वो हिट है? सीधी सी बात है, वो तो मोदी जी ने भी कहा है, मेक फिट इंडिया, आप फिट रहोगे तो हिट रहोगे। मोदी जी ने तो कहा है कि फिटनेस ही जीवन की एक शर्त है सबसे बड़ी। जो आदमी खुद फिट है तो वो कुछ भी कर सकता है, और वो इंसान ही फिट नहीं है तो वो क्या कर सकता है ज़िंदगी में। सबसे पहले तो फिट रहना है, उसके बाद सब कुछ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस के लिए? फिट आप अच्छा खाएँ, अच्छा रहें और फिट रहें, बुरे चीज़ों से दूर रहें, नशा ना करें। मतलब इनका सीधा सीधा कहना है कि आप नशे से दूर रहिए। तो इस पूरे गांव में पहलवानों की कितनी आबादी होगी? मैंने बताया ना, फिटनेस से जुड़े पहलवान, अब जिम सो, अब जिम तो अब आ गई, और हमारे गांव में पहलवानी होते थे, चार पांच अखाड़े होते थे, जैसे सेक्टर उसमें होते हैं, कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी का अलग, उस कॉलोनी तो अपने यहाँ मोहल्ला होता है कि उस मोहल्ले का अखाड़ा उधर है, उस मोहल्ले का अखाड़ा उधर है। तो हमारे पापा, दादा सब पहलवानी करते थे, उन अखाड़ों में मतलब एक दूसरे के मोहल्ले से कंपटीशन होता था लास्ट में। हाँ, बट अब वो चीज़ नहीं है, दौर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो अब जिमों का क्रेज़ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं बाहर रहा, वहाँ पे पढ़ाई करी, फिर अपने गांव में आया, तो इस चीज़ को मैंने मोड़ दिया यहाँ पे कि लोग इस बहाने से फिट रहें और अपनी जो गाँव की परंपरा है वो बनी रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूपेंद्र भाटी क्या करने वाले हैं? देखो, बहुत जल्दी अभी मैंने 90 डे का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज निकाला है, जो वापसी करेंगे हम, उसमें मेरे 5 से 6 बच्चे हैं, और बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा जो भी होगा। फिर भी किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? अभी एक रिसेंटली कंपटीशन आने वाला है 2024 में, अक्टूबर के, मिस्टर यूनिवर्स होता है वो मुंबई में, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा वही होगा, तो किया जाए तो क्यों ना अच्छा किया जाए, वही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए। तो आप देख लिए, आप मिल चुके हैं इन पहलवानों की टोली से यहाँ पे। ये जो पहलवान है वो नशे से कोसों दूर रहते हैं, फिट रहते हैं, और ये फिटनेस का एक सुपरहिट मंत्रा देते हैं। कैमरामैन मान के साथ मैं मुदिता, ग्रेटर नोएडा से।